अस्सलाम वालेकुम, कैमरामैन के साथ मैं हूँ एके गोरी। राणा इलेक्ट्रिक के फार्मूले से हम देखना चाहेंगे राणा हुसैन आज कौन सी टेक्नोलॉजी हमें दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नज़र गिरामत कराऊं के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की वीडियो में हमारे पास है ये 1000 वाट का इन्वेंटर, और ये कंपनी है मैक्स की, और ये इस्त्री है फिलिप्स की 1000 वाट की। 1000 वाट का इन्वेंटर, 1000 वाट की इस्त्री, सोलर पे चला के चेक करेंगे इस्त्री चलेगी या नहीं। अभी आप खोलें बैक का कैमरा। जी बिल्कुल। तो भाई ये है 1000 वाट का इन्वेंटर, 1000 वाट की स्ट्री, बिना किसी रुकावट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आ जाओ कैमरा में। जी बिल्कुल, अब देखते हैं। आया करीब, आ जाओ कैमरा लेके। भाई ये माइनस यहाँ लगा दिया यहाँ पे, और प्लस लगा दिया यहाँ पे। अब मेरे चेहरे की तरफ कर कैमरे को। तो भाई हमारा इन्वेंटर हो गया चालू, आप देख सकते हैं ये पावर लिखा हुआ आ रहा है, और ग्रीन कलर की बत्ती जल रही है यहाँ पे, लाइट चल रही है। अब मेरे फेस की तरफ करें, और ये है 1000 वाट की इस्त्री। जी अभी हम इसको चला के चेक करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे 1000 वाट से इस्त्री चलती है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि 1000 वाट से इस्त्री चल सकती है या नहीं, क्योंकि 1000 वाट का इन्वेंटर है। 1000 वाट की इस्त्री भी मैं उनको बताता हूँ चला के। इसका बटन बंद किया, इसको लगाया, इसको स्टार्ट कर दिया। अब देखो इस्त्री कैसे चल रही है, लेके आओ कैमरे को सामने। ये देखो इन्वेंटर इसका लोड उठा नहीं पा रहा, ये भी 1000 वाट की है, वो भी 1000 वाट की है, 1000 वाट का इन्वेंटर है। ये जल रही है देखो। जी नजर आ रही है जी कैमरे में, बिल्कुल बिल्कुल गर्म हो रही हो गई है। सूट तो इसलिए हो जाएगा, अभी टीटी नहीं कर रही है, यानी इसका मतलब है कि चल रही है, पर इसके लिए कम से कम भी आपको इस्त्री के लिए ना सोगो का इन्वेंटर या मैक्स कंपनी का इन्वेंटर या होब्स का कोई भी इन्वेंटर लेना हो, वैसे सोगो और मैक्स सबसे अच्छी कंपनी है। तो इनमें इस्त्री चलाने के लिए कम से कम भी 1500 वाट का इन्वेंटर आपका होना चाहिए। देखो इस्त्री चल रही है, वैसे गर्म भी हो रही है, पर देखो अभी इन्वेंटर रेड करने लग गया। मेरा काम मेरा एक सवाल है आपसे कि ये इन्वेंटर के कौन सी कंपनी का है? मैक्स कंपनी। मैक्स कंपनी का है सर, मैंने सुना नहीं थी। अभी आपका कहना अगर सोगो कंपनी का लगाए तो 1500 वाट का इन्वेंटर हो, भले मैं इसको बंद कर रहा हूँ अभी। इस्त्री जल गई है, देखो ये पन्नी में आपको जला के दिखा देता हूँ। ये देखो चल रही है, चिपी हो गई है, फुल गया, क्योंकि इन्वेंटर देखो बिल्कुल वो जल रही है पन्नी। इस्त्री चलाने है ना आपको अगर सोलर पे, तो 100 वाली बैटरी हो, जो ये ओसा का हमारे पास वक्त है, भले आपके पास मिलत की हो, एक्साइड की हो, जो भी हो, पर 100 वाली हो, 11 प्लेटें वाली हो, और इन्वेंटर आपको आपके पास हो 1500 वाट का, या वो सोगो कंपनी का हो या मैक्स कंपनी का हो, और उसमें अंदर जाके आपको चेक भी करना, जब आप इन्वेंटर खरीदे ना तो यहाँ से देखें कि उसमें अंदर जो सर्किट लगा हुआ है बड़ा लगा हुआ है छोटा लगा हुआ है, समझे? 2000 के इन्वेंटर अभी आ रहे हैं, उनमें सर्किट छोटा सा लगा हुआ है 500 वाट का, उसको बना दिया 2000 वाट। तो इस्त्री चलाने के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए कम से कम भी आपके पास 1500 वाट का इन्वेंटर हो। 1000 वाट का इन्वेंटर और 1000 वाट की इस्त्री नहीं चल सकती, चलेगी जैसे अभी चल रही है, देखो ऑन हो रही है, पर वहाँ से आवाज़ कर रहा है इन्वेंटर, लोड उठा नहीं पा रहा है इसका, इसका लोड उठा नहीं पा रहा। तो इस्त्री चलाने के लिए, सूट इस्त्री करने के लिए, प्रेस करने के लिए कम से कम भी 1500 वाट का इन्वेंटर आपके पास होना चाहिए, ठीक है? कैमरा मैन हमारे, और जिसने सवाल किया था वो वीडियो देख ले, और जिस जिसके मन में सवाल था अभी वो क्लियर हो गया। और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट्स करें इन्वेंटर के बारे में, सोलर के बारे में, कोई भी चीज़ आपको इलेक्ट्रिक के बारे में कुछ भी पूछना है कमेंट्स करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।